हेलो स्टूडेंट्स, हमने अपनी लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था बेंडिंग मोमेंट ऑफ कैंटिलीवर, एंड उस केस में हम कैंटिलीवर के वेट को कंसीडर नहीं कर रहे थे। लेकिन अगर कैंटिलीवर का इटसेल्फ खुद का भी कुछ वेट हो, उस केस में बेंडिंग मोमेंट कितना होगा, उसको हम अपनी इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर हमने क्या माना कि आपका जो कैंटिलीवर है उसका खुद का कुछ वेट है, जिसको कि हम W1 बोल रहे हैं, एंड ये हम कह सकते हैं कि स्मॉल W हम मान के चल रहे हैं वेट पर यूनिट लेंथ ऑफ दिस कैंटिलीवर। तो उस केस में W1 की वैल्यू हो जाएगी स्मॉल W मल्टीप्लाई विद टोटल लेंथ ऑफ दिस कैंटिलीवर, जो कि हमारे पास है स्मॉल L। एक्सटर्नल वेट जो हमने अप्लाई किया है वो यहाँ पे कैपिटल W है, और जो डिप्रेशन हम मान के चल रहे हैं इन दोनों वेट्स की वजह से, वो डिप्रेशन हम वाई नोट से रिप्रेजेंट करके चल रहे हैं। अब जैसे हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था, हम सिमिलर स्टेप्स में प्रोसीड करेंगे कि सबसे पहले हमने यहाँ पे एक इक्विलिब्रियम पॉइंट माना, और इस पॉइंट को हमने इस टाइप से कंसिडर किया है, इस पी पॉइंट को, कि इस पी पॉइंट के पीछे जो कैंटिलीवर की लेंथ है उसमें कोई भी डिप्रेशन नहीं आ रहा है, वहाँ तक आपका जो डिप्रेशन है उसकी वैल्यू जीरो है, एंड जो डिप्रेशन है वो इस लेंथ के आगे ही अपीयर हो रहा है। तो ये एक पर्टिकुलर इक्विलिब्रियम पोजीशन हमने मान ली, जिसका डिस्टेंस इस फिक्स पॉइंट से, क्योंकि कैंटिलीवर आपका इस एंड पे फिक्स है, तो इस फिक्स एंड से इस पी जो इक्विलिब्रियम पॉइंट हमने माना, इसका डिस्टेंस एक्स हो गया। तो बची हुई लेंथ यहाँ पे हमारे पास कितनी आई, एल माइनस एक्स। अब हम निकालेंगे सबसे पहले बेंडिंग मोमेंट इस कैंटिलीवर का ड्यू टू दिस टू वेट्स। तो सबसे पहले बेंडिंग मोमेंट ऑफ दिस कैंटिलीवर ड्यू टू दिस एक्सटर्नल अप्लाइड वेट इज कितना हो जाएगा, वेट मल्टीप्लाई विद दिस परपेंडिकुलर डिस्टेंस। क्योंकि बेंडिंग मोमेंट क्या होता है, मोमेंट ऑफ फोर्स, एंड यहाँ पे जो वेट अप्लाई किया जा रहा है इस कैंटिलीवर के एंड पे, वो एक फोर्स की तरह बिहेव कर रहा है, एंड वो फोर्स, ये फोर्स यहाँ पे किस परपेंडिकुलर डिस्टेंस के अलोंग यहाँ पे मोमेंट क्रिएट करेगा, मेरा पी पॉइंट इक्विलिब्रियम पॉइंट है, तो इसके बाद मेरे पास बेंडिंग इंट्रोड्यूस होगी। तो जो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ पे एल माइनस एक्स है, इसको अगर मैं इस फोर्स से मल्टीप्लाई कर दूंगी, इस वेट डब्ल्यू से मल्टीप्लाई कर दूंगी, तो मेरे पास बेंडिंग मोमेंट आ जाएगा ड्यू टू दिस वेट डब्ल्यू। सिमिलरली हम बेंडिंग मोमेंट निकालेंगे इस W1 वेट की वजह से, और ये W1 वेट किसका है, ये इस बीम का वेट है। तो यहाँ पे हमने माना P पॉइंट है वो एक इक्विलिब्रियम पोजीशन है, तो इसका मतलब है बीम की जो यहाँ पे रिमेनिंग लेंथ है वही पार्टिसिपेट कर रही है बेंडिंग में। तो जो रिमेनिंग लेंथ है L माइनस एक्स, इस लेंथ के अलोंग बीम का वेट कितना हो जाएगा, बीम का वेट यहाँ पे हो जाएगा दिस स्मॉल W मल्टीप्लाई विद L माइनस एक्स। तो इसका मतलब यहाँ पे हमारे पास जो बीम का खुद का वेट है उसकी वजह से बेंडिंग मोमेंट कितना आएगा, उसमें हम क्या करेंगे, अगेन हम करेंगे फोर्स को मल्टीप्लाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस के साथ। अब फोर्स यहाँ पे मेरे पास क्या आ चुका है, स्मॉल डब्ल्यू मल्टीप्लाई विद एल माइनस एक्स, क्योंकि ये लेंथ है, ये लेंथ मेरी इफेक्टिव है, इस लेंथ का जो वेट होगा वो वेट मेरा यहाँ पे एज ए फोर्स एक्ट करेगा। तो फोर्स मेरे पास आ गया W इंटू एल माइनस एक्स। अब इसके बाद जो परपेंडिकुलर लेंथ मुझे चाहिए, जिस परपेंडिकुलर लेंथ के बाद एक्सिस के अलोंग मेरा यहाँ पे मोमेंट लगेगा, मोमेंट होगा मेरा फोर्स का, वो एक्सिस मेरी कितनी आएगी, यहाँ पे देखो L माइनस एक्स मेरी जो इफेक्टेड एक्सिस है। अब मैं मान के चलती हूँ कि इस लेंथ का कैंटिलीवर का जो वेट है वो इफेक्टिव है, और वो यहाँ पे इस लेंथ में कुछ बेंडिंग करेगा, तो वो बेंडिंग कहाँ पे आएगी, जब हम कैंटिलीवर का खुद के वेट की वजह से बेंडिंग कर रहे हैं, तो वो बेंडिंग मिडल में इफेक्टिव होगी, यहाँ पे बीच में वो बेंडिंग हमें अपीयर होगी। तो इसका मतलब इस कैंटिलीवर के वेट की वजह से जो बेंडिंग होगी, वो बेंडिंग हमारी टू लेंथ के अलोंग होगी। तो यहाँ पे जो फोर्स है उसको किस परपेंडिकुलर डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करेंगे, ये एल माइनस एक्स बाय टू। सो दिस इज बेंडिंग मोमेंट ऑफ बीम ड्यू टू इट्स ऑन वेट, जो कि हम यहाँ पे कह रहे हैं W1। सो बीम के वेट की वजह से बेंडिंग मोमेंट आ गया, एंड जो एक्सटर्नल वेट है उसकी वजह से बेंडिंग मोमेंट आ गया, टोटल बेंडिंग मोमेंट इन दोनों का सम हो जाएगा। सो टोटल बेंडिंग मोमेंट इज डब्ल्यू एल माइनस एक्स प्लस स्मॉल डब्ल्यू एल माइनस एक्स इंटू एल माइनस एक्स बाई टू। सो दिस इज टोटल बेंडिंग मोमेंट ऑफ दिस बीम। अब हम कहते हैं इक्विलिब्रियम की सिचुएशन है, तो इक्विलिब्रियम की सिचुएशन के केस में ये बेंडिंग मोमेंट किसके इक्वल हो जाएगा, रेस्टोरिंग बेंडिंग मोमेंट। और रेस्टोरिंग बेंडिंग मोमेंट हमने अपने प्रीवियस वीडियोज में डिस्कस किया हुआ है, उसकी वैल्यू हमारे पास आई थी वाई आई जी बाई आर। y इज यंग्स मॉडुलस ऑफ दिस बीम, आई जी यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है ज्योमेट्रिकल मोमेंट ऑफ इनर्सिया, एंड r है जो बीम में कर्वेचर आ रहा है उस कर्वेचर की रेडियस। सो ये आपका रेस्टोरिंग बेंडिंग मोमेंट है, ये इस टोटल बेंडिंग मोमेंट के इक्वेट हम करेंगे, तो हमारे पास यहाँ पे ये इक्वेशन मिल जाएगी हमें। अब इस इक्वेशन में देखो, हम जब r को सेपरेट करेंगे एक साइड, तो हमारे पास राइट हैंड साइड में क्या आएगा, वन बाय वाई आई जी, एंड ब्रैकेट के अंदर ये कंप्लीट टर्म।
अब जो आर्क रेडियस ऑफ कर्वेचर होती है उसकी वैल्यू हमें पता है, 1/r हमारे पास इक्वल होता है d2y/dx2। सो 1/r की जगह हम ये वैल्यू पुट कर देंगे। तो जब 1/r की जगह ये वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास ये इक्वेशन आ जाएगी, एंड इस इक्वेशन में y की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए, y क्या है, डिप्रेशन है, और डिप्रेशन की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमें इस इक्वेशन को दो बार इंटीग्रेट करना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू x। तो सबसे पहले हम इस इक्वेशन को विद रिस्पेक्ट टू x इंटीग्रेट करेंगे, तो हमारे पास आएगा ये वैल्यू हो जाएगी dy/dx। यहाँ पे हमारे पास होगा 1/yig ब्रैकेट के अंदर कैपिटल W Lx माइनस एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस यहाँ पे स्मॉल W, इसके साथ हमारे पास है L माइनस एक्स होल स्क्वायर बाई टू। ये टर्म क्या हो जाएगी, ये टर्म हमारे पास हो जाएगी 1/2 ऑफ L स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2Lx। तो इस टर्म का जब हम यहाँ पे इंटीग्रेशन करेंगे तो देखो ये 1/2 टर्म हमारी रहेगी साथ में L स्क्वायर का L स्क्वायर x प्लस एक्स स्क्वायर का एक्स क्यूब बाई थ्री, एंड ये जो 2 था ये मल्टीप्लाई होकर यहाँ पे 6 हो गया, माइनस ट्वाइस ऑफ एल एक्स हो जाएगा माइनस ट्वाइस ऑफ एल एक्स स्क्वायर बाई टू, उस 2 से 2 कैंसिल हो गया तो ये 2 यहाँ पे आ गया। तो ये हमारा इंटीग्रेशन होगा इस इक्वेशन का, एंड साथ में एक इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट C1। अब अगेन हम अगर अपनी इनिशियल कंडीशन यूज करते हैं तो जब हमारे x की वैल्यू 0 होती है, इस फिक्स एंड की बात करते हैं, उस केस में y का चेंज विद रिस्पेक्ट टू x भी 0 होगा। तो इसका मतलब जब x 0 है तो dy/dx भी हमारे पास 0 है, एंड ये दोनों वैल्यू 0 है। तो जब हम इस इक्वेशन में इसको पुट करेंगे तो हमारे पास यहां से मिलेगा C1 0। अब C1 कांस्टेंट की वैल्यू 0 हो गई, उसको वापस इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमारे पास dy/dx की वैल्यू आएगी 1/yig, एंड साथ में कंप्लीट जो ब्रैकेट में टर्म है वो टर्म। अब इसको हमें अगेन एक बार इंटीग्रेट करना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि हमें फाइनली y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो अगेन इस इक्वेशन को हम इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, एंड इसको जब x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी 1/yig ब्रैकेट के अंदर कैपिटल W एल एक्स स्क्वायर बाई टू माइनस एक्स क्यूब बाई सिक्स प्लस स्मॉल W बाई टू एल स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई टू माइनस एल एक्स क्यूब बाई थ्री प्लस एक्स 4/12। लास्ट में हमारे पास इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट। तो इस टर्म को हमने यहाँ पे इंटीग्रेट किया और ये वैल्यू हमें मिली। अगेन जो इंटीग्रेशन का कॉन्स्टेंट है, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमने फिर से अपनी इनिशियल कंडीशन यूज़ की, जहाँ पे कि हम कह रहे हैं जब x 0 है, मीन्स आपका जो फिक्स एंड है, इस फिक्स एंड पर डिप्रेशन भी 0 है, मीन्स y की वैल्यू भी 0 है, तो C2 की वैल्यू भी हो गई 0 जब हमने यहाँ पे x को 0 पुट किया एंड y को 0 पुट किया। अब C2 की वैल्यू जब हम यहाँ पे पुट करेंगे इस इक्वेशन में तो हमें जो y है उसकी वैल्यू मिलेगी 1/yig ब्रैकेट के अंदर W एल एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस एक्स क्यूब बाई सिक्स प्लस स्मॉल W बाई टू एल स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई टू माइनस एल एक्स क्यूब बाई थ्री प्लस एक्स पावर 4/12। तो ये हमारी y की वैल्यू आ गई है। अब ये y क्या है, ये y डिप्रेशन है। हम कहते हैं कि जो y डिप्रेशन है वो हमें इस पर्टिकुलर b पॉइंट पे चाहिए, कि b पॉइंट हमारा कितना डाउन जाता है जब हम एक एक्सटर्नल वेट w लगा रहे हैं एंड बीम का खुद का वेट हमारा W1 है। तो इन दोनों की वजह से ये b पॉइंट हमारा कितना डाउन जाता है, कितना डिप्रेशन होता है। तो इस टोटल डिप्रेशन को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन में x को हम l के इक्वल पुट कर देंगे। तो जैसे ही ये x l के इक्वल आ जाएगा, हमारी कंप्लीट जो लेंथ है वो अब पार्टिसिपेट करेगी डिप्रेशन में। तो टोटल डिप्रेशन हमें मिलेगा y नॉट इक्वल्स टू 1/yig, एंड यहाँ पे जहाँ पे भी हमारे पास x है उसकी जगह हम l पुट कर देंगे। तो जब हम यहाँ पे x की जगह l पुट करेंगे इस इक्वेशन में, तो उसको सोल्व करने के बाद हमारे पास ये इक्वेशन आएगी। इसमें देखो हमारे पास यहाँ पे है एल क्यूब एंड यहाँ पे है एल रेस्ट टू पावर 4, सो हम यहाँ से एल क्यूब कॉमन ले सकते हैं, डिनोमिनेटर से हम 3 कॉमन ले सकते हैं। सो यहाँ से हमारे पास क्या बन जाएगा, एल क्यूब अपॉन 3yig, अंदर ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, कैपिटल W, क्योंकि एल क्यूब बाई 3 हमने कॉमन ले लिया है, सो कैपिटल W प्लस यहाँ से हमारे पास बचेगा 3/8 स्मॉल W इंटू एल। अब स्मॉल W इंटू एल ये क्या है, दिस इज टोटल वेट ऑफ दिस कैंटिलीवर, सो इसको हम कैंटिलीवर के वेट की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे जो डिप्रेशन है वो कितना आ गया है, द डिप्रेशन y नॉट इक्वल्स टू एल क्यूब अपॉन 3yig ब्रैकेट के अंदर है कैपिटल W प्लस 3/8 ऑफ W1। तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि जब
हमारी बीम खुद का कुछ वेट रखे हुए है और जो बीम का वेट है वो कितना है, W1 है। तो उस केस में जो पहले हमारा बेंडिंग मोमेंट आया था, जब हमारी बीम का वेट नहीं था, बीम का वेट जीरो था, उस केस में हमारे पास बेंडिंग मोमेंट आया था L³W/3YIZ। तो ये बेंडिंग मोमेंट हमारे पास कब आया था, जब हमारे पास W1 की वैल्यू जीरो थी, कि बीम का खुद का कोई वेट नहीं था, तो हमारे पास ये बेंडिंग मोमेंट आया था। अब हम कह रहे हैं कि बीम का वेट है और वो वेट W1 है, W1 नॉन जीरो है, तो उस केस में बेंडिंग मोमेंट हमारा ये आ रहा है। तो हम कह सकते हैं कि जब बीम का खुद का वेट होगा, उस केस में जो डिप्रेशन है, उस डिप्रेशन में आपकी जो ऑलरेडी जो वैल्यू थी, वहाँ पे एक और फैक्टर इंक्लूड हो जाएगा, 3/8 ऑफ W1। तो ये फैक्टर यहाँ पे और इंक्लूड हो गया, जो कि बीम के वेट की वजह से यहाँ पे इंक्लूड हुआ। अब हमने फर्स्ट केस डिस्कस कर लिया अपनी प्रीवियस वीडियो में, जिसमें हमने माना था कि बीम का खुद का वेट नहीं था और वहाँ पे हमारे पास बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू ये आई थी। यहाँ पे हमने अभी तक डिस्कस किया है कि हमारा जो बीम है उसका वेट W1 है, एक्सटर्नल वेट हम कैपिटल W लगा रहे हैं, दोनों के कंबाइंड इफेक्ट की वजह से हमारे पास ये बेंडिंग मोमेंट आ रहा है। अब एक थर्ड सिचुएशन भी बनती है, जब हम मान लेते हैं कि ये जो W वेट है, ये W वेट हम जीरो कर दें, मतलब आपकी जो बीम है, यहाँ पे बीम है, इसको एक एंड से हमने फिक्स किया हुआ है, इस बीम का जो खुद का वेट है, उस खुद के वेट की वजह से इसमें कितना डिप्रेशन आया, इस एंड पे हम कोई एक्सटर्नल वेट नहीं लगा रहे हैं, इस बीम के खुद के वेट की वजह से कितना डिप्रेशन आया, अगर हमें उसको कैलकुलेट करना है तो वो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो हमने जैसे यहाँ पे स्टेप्स फॉलो किए हैं, सिमिलरली हम स्टेप्स फॉलो करेंगे, सेम मेथड से हम उसको सोल्व करेंगे। उसके लिए हमें क्या लेना पड़ेगा, उसके लिए हमारे इस कैपिटल W की वैल्यू जीरो हो गई। इस कैपिटल W की वैल्यू जीरो होते ही जो आपका ये बेंडिंग मोमेंट है इस W की वजह से, इसकी वैल्यू जीरो हो जाएगी, और इसकी वैल्यू जीरो हो जाएगी तो हमारा जो बेंडिंग मोमेंट बचेगा, वो टोटल बेंडिंग मोमेंट हमारा सिर्फ इस फैक्टर की वजह से बचेगा, उसमें से ये फैक्टर आपका जीरो हो जाएगा। तो जब हम मान के चल रहे हैं कि कैपिटल W जीरो है, उस केस में हमारा जो बेंडिंग मोमेंट है इस बीम का, वो कितना आ गया, स्मॉल W L-X × L-X/2 ये वैल्यू। एंड ये वैल्यू हम जब इक्वेट करेंगे रेस्टोरिंग बेंडिंग मोमेंट के साथ, इसके साथ YIZ/R इसके साथ इक्वेट करेंगे, तो हमारे पास इक्विलिब्रियम में ये कंडीशन आएगी, जब हम बीम के खुद के वेट की वजह से बेंडिंग फाइंड आउट करना चाह रहे हैं। तो अब इस इक्वेशन को अगेन हम सिमिलर मेथड से सोल्व करेंगे, कि सबसे पहले हमने 1/R को एक साइड रखा, बाकी YIZ को राइट हैंड साइड में लिया, तो 1/R हमारा हो गया W/YIZ L-X L-X/2 एंड 1/R की वैल्यू हमारे पास है D2Y/DX2। तो इसका मतलब यहाँ पे हमारे पास ये इक्वेशन आ गई है D2Y/DX2 की फॉर्म में। अब यहाँ पे Y की वैल्यू निकालनी है, तो अगेन इस इक्वेशन को दो बार इंटीग्रेट करना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू X। तो हम इस इक्वेशन को एक बार जब इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू X, हमारे पास DY/DX की वैल्यू ये आएगी, एंड इस वैल्यू में जो इंटीग्रेशन कांस्टेंट है उसको हम फिर से जीरो कर देंगे। क्यों, क्योंकि इनिशियल कंडीशंस पे हमारे पास जब x जीरो था तो DY/DX भी जीरो था, तो उस केस में हमारे पास C1 भी जीरो हो गया। तो इस कंडीशन को यूज़ किया, C1 जीरो हो गया, तो हमारी जो DY/DX की इक्वेशन है वो क्या बची, DY/DX=W/YIZ L²X/2 X³/6 - LX²/2 और C1 हमने कर दिया यहाँ पे जीरो। इस इक्वेशन को हम फिर से इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि हमें y की वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो y की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमने जब इसको फिर से इंटीग्रेट किया, तो y की वैल्यू हमारे पास ये आई। अब इसमें देखो इंटीग्रेशन कांस्टेंट C2 है, C2 की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम फिर से अपनी इनिशियल कंडीशंस यूज़ करेंगे, कि जब x जीरो था उस केस में हमारा y भी जीरो था, और xy जब दोनों जीरो हैं तो इस इक्वेशन से हमें C2 की वैल्यू जीरो मिलेगी। तो इसका मतलब हमने यहाँ पे C2 को भी जीरो कर दिया। अब C2 को जीरो करने के बाद हमारे पास ये y की वैल्यू आ गई है। अब इस y की वैल्यू को हम कहते हैं Y0 कब होगी, ये डिप्रेशन हमारा Y0 के इक्वल कब होगा, जब हम L को X के इक्वल पुट करेंगे। जब L X के इक्वल होगा उस केस में हमारा Y Y0 के इक्वल हो जाएगा। तो ये Y हमारा Y0 के इक्वल यहाँ पे हमने किया, X की जगह पे हमने L वैल्यू पुट की, तो Y0 यहाँ से हमारा आया स्मॉल W L^4/8YIZ। अब देखो यहाँ पे इस इक्वेशन में हमारे पास है स्मॉल W L³, स्मॉल W × L हमारे पास है W1। तो जब हम W × L को W1 रखेंगे तो हमारे पास आएगा W1 L³/8YIZ।
ये डिप्रेशन हमारे पास है इस कैंटिलीवर में, जब हमने एक्सटर्नल वेट को जीरो माना और ओनली जो कैंटिलीवर का वेट है उसकी वजह से हमने डिप्रेशन निकाला। अब हम जब इस इक्वेशन को इसके साथ कंपेयर करें तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि यहाँ पे जो हमारे पास डिप्रेशन आया था, इस डिप्रेशन में ये जो फर्स्ट फैक्टर था, दैट फैक्टर इज डिप्रेशन इन द कैंटिलीवर ड्यू टू द एक्सटर्नल वेट W, जो कि हमने सेपरेटली भी कैलकुलेट किया था, उसके इक्वल है। एंड जो सेकेंड फैक्टर यहाँ पे आया है, दिस सेकेंड फैक्टर इज डिप्रेशन इन द कैंटिलीवर ड्यू टू इट्स ओन वेट W1। ठीक है, तो इस टाइप से हम देख सकते हैं कि ये कैंटिलीवर है हमारे पास जो एक एंड से फिक्स है और इसके दूसरे एंड पे हम वेट लगा रहे हैं। अगर हमारे पास ओनली एक्सटर्नल वेट है यहाँ पे W, तो उस केस में कैंटिलीवर का डिप्रेशन हमें ये वैल्यू मिलेगा। जब हम कह रहे हैं हमारे पास एक्सटर्नल वेट भी है एंड हमारे पास इंटरनल वेट W1 भी है, उस केस में कैंटिलीवर का डिप्रेशन हमारे पास ये आएगा, ये दोनों टर्म्स आएंगी। एंड जब हम कहेंगे कि कैंटिलीवर का एक्सटर्नल वेट हमने जीरो कर दिया, मींस बाहर से हम कोई वेट नहीं लगा रहे, जो बीम है उसके खुद के वेट की वजह से कितना डिप्रेशन होगा वो फाइंड आउट करना है, तो वो डिप्रेशन हमारे पास ये टर्म आएगा। तो इस टाइप से हमने कैंटिलीवर के लिए ये तीनों केसेस डिस्कस कर लिए कि कैंटिलीवर में बेंडिंग ड्यू टू इट्स ओन वेट, ड्यू टू एक्सटर्नल वेट एंड ड्यू टू बोथ ऑफ दिस एक्सटर्नल वेट एंड इट्स ओन वेट। सो आई होप आपको अच्छे से अभी ये आर्टिकल क्लियर हुआ होगा, बेंडिंग ऑफ कैंटिलीवर। अगर इसमें कोई भी डाउट है तो उसको आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।